Good afternoon, students. This is part 7 of this video lecture series, class 12th, chapter 1, electric charge and field. Okay, previous video mein humne padha tha electric field due to uniformly charge infinitely long wire. Okay, with the help of Gauss's law. Today's topic is electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. स्फेरिकल शेल का केस लेंगे, दैट इज हॉलो स्फेयर का केस. यूनिफॉर्मली चार्ज अगर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा. तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का तीन केस बनेंगे स्फेरिकल सेल में, तीन केसेस बनते हैं, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल एंड थर्ड इज एट द सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल सेल. ओके, तो वन बाय वन इसका डेरिवेशन करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल. ओके, लेट अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर उसकी रेडियस है, एट सेंटर ओ विद चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली. एक थिन स्फेरिकल शेल लेते हैं, रेडियस आर है, सेंटर ओ है, उस पर क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिफॉर्मली. ओके, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, इमेजिन आई स्फीयर गॉसियन सरफेस. एक गॉसियन सरफेस इसमें भी कंसिडर करना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस ऑलवेज कंसिडर करना पड़ेगा जब भी गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे हम. और कितना रेडियस का लेना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उतनी ही डिस्टेंस का हमें लेना पड़ता है गॉसियन सरफेस, जो उस पॉइंट से पास हो रहा हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, इमेजिन अ स्फीयर गॉसियन सरफेस विद सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस वजह से स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस लेंगे. यहाँ पे स्फीयर लिया है, वहाँ पे सिलेंडर लिया था पिछले डेरिवेशन में. ओके, दिस इज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्मली चार्ज हैविंग सेंटर एट ओ. ओके, एंड दिस इज डॉटेड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर. यहाँ पे स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, ठीक है. पासिंग थ्रू पॉइंट पी एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड. ओके, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड. एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर एट दिस पॉइंट पी इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस. That is electric field vector and area vector having same direction and angle between them is theta is equal to 0 degree. Okay, ये point याद रखना है कि यहाँ पे area vector and electric field के बीच में क्या बनेगा, angle point P पे 0. Okay, now apply Gauss's law. Gauss's law क्या कहता है, phi is equal to close integration E dot ds is equal to q upon epsilon naught. Okay, और वी कैन राइट phi इज इक्वल टू क्लोज इंडिकेशन, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था, ए बी कॉस थीटा, देयर फोर वी कैन राइट ई डी एस कॉस 0 degree, बिकॉज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0 degree. ओके, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ टेकिंग ई आउटसाइड टू द इंटीग्रेशन, वी कैन राइट ई क्लोज इंडिकेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देयर फोर क्लोज इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या आएगी, टोटल एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, गॉसियन सरफेस. ओके, तो गॉसियन सरफेस ये है, तो गॉसियन सरफेस का जो टोटल एरिया आएगा वो क्या आएगा, 4πr² बिकॉज स्फीयर का क्या होता है एरिया, सरफेस एरिया 4πr², तो इसकी वैल्यू 4πr² हो गया. एंड वी कैन राइट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस की वैल्यू आएगी, वो आएगी 4πr² और फिर उसके बाद रीअरेंज करके ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी इतनी आती है, बट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ऐसे, ठीक है, डेरिवेशन ऐसे ही होगा. ये इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, क्या इफ क्यू ग्रेटर देन 0, अगर क्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो दैट इज पॉजिटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज रेडियली आउटवर्ड, तो E की डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड होगी. इफ Q इज लेस देन 0, ओके, अगर Q की वैल्यू 0 से कम है दैट इज नेगेटिव, देन E इज रेडियली इनवर्ड. ये वाले जो कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का, ये मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर में ही बताया था,
अगर पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड होगी. ओके, तो ये स्फेरिकल शेल का आउटवर्ड पॉइंट पे बताया. आउटवर्ड पॉइंट पे एक पी था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 pi epsilon naught q/r², जैसा कि पॉइंट चार्ज में भी होता है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, अगर जो पी पॉइंट है वो आउटसाइड ना हो के सेल के सरफेस पे हो, उस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी क्योंकि गॉसियन सरफेस आउटसाइड ना होके जो स्फेरिकल शेल है उसी के सरफेस पे होगा, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. सो पुराना जो भी फॉर्मूला आया था डायरेक्ट करके वो क्या हो जाएगा, उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे तो इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q/r². ओके, इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सेल, अगर सिग्मा की वैल्यू क्या हो, इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेल, अगर सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो क्या कह सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया. ओके, एंड एरिया कितना होता है इन केस ऑफ स्फेरिकल सेल, क्यू अपॉन 4 pi R² कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि स्फेरिकल सेल का तो जो रेडियस कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर थोड़ी ना है. ओके, तो हम सिग्मा की वैल्यू क्या रख देंगे, क्यू अपॉन 4 pi R² को हम सिग्मा कह देंगे, देयरफॉर वी कैन राइट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो. तो जो ये फॉर्मूला है अभी जो आया इसको ये भी लिख सकते हैं, जो ये फॉर्मूला आया है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सेल. ये सेकंड पार्ट हुआ. थर्ड पार्ट क्या है, तीन दो पार्ट हो गए, आउटसाइड पॉइंट पे निकाल लिया, सरफेस पे निकाल लिया, अब इनसाइड पॉइंट पे निकालते हैं. ठीक है, इनसाइड थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड में क्या होगा देखो. टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट को इनसाइड ले लेते हैं, पॉइंट पी इनसाइड द सेल, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ S2, सरफेस स्फीयर उसको S2 कह दिया, पासिंग थ्रू पॉइंट P विद सेंटर O, हेयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी तभी पॉइंट इनसाइड में हो सकता है. एज द चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज जीरो, ये पॉइंट याद रखना कि जब भी स्फेरिकल शेल होगा चार्ज स्फेरिकल सेल तो उसके इनसाइड में चार्ज जीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता. स्फेरिकल शेल अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता. The Gaussian surface enclosed no charge because जो Gaussian surface P point से पास हो रहा है इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारा का सारा आउटर स्फेयर पे है. ठीक है, आउटर स्फेरिकल शेल पे है, अंदर वाला जो इस Gaussian surface है उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इस वाले पे कोई चार्ज ही नहीं है. और फॉर्मूला क्या कहता है गॉस लॉ का, phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेयर क्यू इज दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी Gaussian क्लोज्ड सरफेस. तो क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है वो होता है, क्यों की वैल्यू जीरो हो गई. तो फाइ इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ किया, फाइ इज इक्वल टू क्लोज इंडिकेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर्मूला. ओके, क्यू की वैल्यू जीरो यूज़ किया तो ये हो गया पार्ट जीरो, और ई हो गया इंडिकेशन से बाहर, और क्लोज इंडिकेशन डी एस की वैल्यू क्या आएगी, 4 pi R², तो कितना हो गया ई इंटू 4 pi R² इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर वैल्यू ऑफ ई इज जीरो फॉर स्मॉल आर लेस देन आर. देयर फोर यहाँ पे तीन फॉर्मूले आए, इन फॉर आउटसाइड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल शेल, एट सरफेस एंड इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल. तीनों कंडीशन डेरिवेशन कॉपी में सॉल्व करना है. आप इसके बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेके वीडियो के नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर. Hence, the electric field inside the uniformly charged spherical cell is zero. अगर कोई पूछ ले कि electric field zero कब होता है तो आप बता सकते हैं कि spherical cell के inside point पर zero होता है. इसको graph से देखते हैं. ठीक है, graph में क्या है, electric field change with distance from the center point O. जैसे जैसे distance बढ़ाते जा रहे हैं center point से, okay? जैसे जैसे distance बढ़ाते जा रहे हैं ज़ीरो, कब तक, जब तक सरफेस पे नहीं आया, जब तक डिस्टेंस सरफेस यानी कि रेडियस के इक्वल नहीं हुई
जो सेंटर पॉइंट था स्फेरिकल सेल का, उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जब तक वो डिस्टेंस बढ़ने की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल नहीं हुई तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इसलिए ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ा। फिर जैसे ही सरफेस पे पहुंचा पी पॉइंट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ओके। और जब सरफेस से बाहर निकल जाएगा पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी विद डिस्टेंस, बिकॉज आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, दैट इज़ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ओके, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है फॉर स्फेरिकल शेल। और अभी इससे पहले जो डेरिवेशन किया था यूनिफॉर्मली चार्ज वायर में, उसमें जो ग्राफ आया था इलेक्ट्रिक चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, वो स्टेप से आया था, वो भी डिक्रीज होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे डिस्टेंस थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।